प्रयागराज के कुंभ नगरी में चल रहा है मेले का कार्य। जायजा लेने पहुंची प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम। प्रयागराज की कुंभ नगरी में प्रयाग एक्सप्रेस की टीम पहुंची, जहां पर उन्होंने कार्य का जायजा लिया। वहां उन्होंने देखा कि अभी भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं और वहां पर काफी हद तक सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कई पीपा पुल बनाए गए हैं, वहीं पर पुलिस लाइन सभागार भी बना है। COVID-19 के भी कई सेक्टर बने हैं, जिसको वैक्सीन ना लगी हो उसके वैक्सीन लगने का भी इंतजाम वहां पर है। कुंभ नगरी में होने वाले मकर संक्रांति का पहला स्नान 14 जनवरी को होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कोविड को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मास्क सैनिटाइजर का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। अनुमान लगाया जा सकता है कि मकर संक्रांति को कम से कम लाखों लोगों के स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ मौके पर मेला अधिकारी मेले का जायजा ले रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके चलते चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। मोहम्मद शाकिब के साथ सदर तहसील ब्यूरो चीफ अमन यादव की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमन यादव आज प्रयागराज के कुंभ नगरी में उपस्थित हूं, जहां पर 14 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान होने वाला है। बताया जा रहा है कि यहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ सकती है, जिसको देखते हुए प्रशासन अपनी पूरी जोरों शोरों से तैयारी पर लगा हुआ है। डेली इन्होंने 3 से 4 बार गश्त मारते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र भी किया गया है। यहाँ पर जगह जगह पर कोविड के सेक्टर बनाए गए हैं, जहाँ पे लोग जिनकी वैक्सीन ना लगी हो वो अपने वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, अपने कैमरामैन से कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपा पुल का भी निर्माण किया गया है, जिससे गाड़ियों का आवागमन जारी है। यहाँ पे अभी ऐसे कुछ कार्य हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से कम्प्लीट नहीं हुए हैं। अधिकारियों से हमने बात की, उन्होंने बोला कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे 14 तारीख के पहले पहले सारा कार्य कम्प्लीट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरीके से पीपा पुल बनाए गए हुए हैं। धन्यवाद, मैं अमन यादव, कैमरामैन मोहम्मद शाकिब के साथ प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से। आपकी खबर हमारी नज़र।